मैं शुगर का मरीज हूँ, मुझे रोज 4 बार इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हर पैंतरे को हरियाणा की जनता के सामने रखते हुए, और अब बड़ी खबर का रुख, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। हाथ बदलेगा हालात के नाम से यह घोषणा पत्र जारी हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। किसानों के लिए किसान आयोग के गठन का वायदा किया गया है। पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर 10 लाख करने का वायदा किया गया है। इन वायदों के आधार पर हरियाणा की जनता से कांग्रेस वोट मांग रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के साथ हरियाणा की जनता के सामने बदलाव की बयार बहाने की बात कह रही है। 25 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे हरियाणा में, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे, हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। देखिए, ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूँ जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता भुकल जी, और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूँ और आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत समय दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। तो हरियाणा कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिख रहे हैं आपको इन तस्वीरों में, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे थे, फिर से सुन लेते हैं। बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी, जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल शासन जो बीजेपी का था, अभी हाल ही में अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो में समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता भुकल जी ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस सरकार बनेगी, उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे, यही बात मैं कहता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी नेता अनिल विज ने झूठ का पुलिंदा बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने किसी भी घोषणा पत्र पर कभी काम किया ही नहीं। झूठों का पुलंदा, कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो, उन्होंने पेश क्या किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है, इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहां पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये, और वो झूठ की डिग्री जिन्होंने कर रखी है वही इनके लीडर बनते हैं। हवाई सफर करने वालों के लिए अब अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार अब देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने जा रही है। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ने से यात्री को टिकट आसानी से मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 करना
और पर्यटन को बढ़ावा देना उनका लक्ष्य है। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, मंत्रालय उन दूर दराज के इलाकों को जोड़ने पर काम कर रहा है जो अनदेखे स्थलों के करीब हैं। पर्यटन मंत्रालय के कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि आज हमारे पास 157 हवाई अड्डे हैं, लेकिन अगले 20-25 साल में जब हम 2047 में वास्तविक विकसित भारत देखेंगे तब तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 कर देना चाहते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।